लखनऊ में शिक्षक भर्ती को लेकर आज प्रदर्शन जारी है। एजुकेशन डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की भर्ती की जाए। आपको बता दें कि यूपी में पिछले 7 महीने से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया लंबित है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला अभी टलता ही जा रहा है। यही वजह है कि लगातार जो शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। दरअसल 69,000 शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा जनवरी माह में हुई थी और तब से लगातार ये विवादों के घेरे में रहा है। इनकी नाराजगी भी इस बात को लेकर है कि आखिर मामले को क्यों इतना लिंगर ऑन किया जा रहा है, मामले को इतना क्यों लटकाया जा रहा है। महाधिवक्ता अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुए और उसी की मांग को लेकर ये तमाम जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी और किन बातों को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जरा विस्तार से बताइए। ये बातें हैं कि सरकार ने कहा था 6 जनवरी को एग्जाम हुआ, 7 जनवरी को सरकार के द्वारा 60-65 कट ऑफ लगाया गया और उन्होंने 15 फरवरी को उन्होंने कहा था ज्वाइनिंग देने के लिए और अभी तक आंसर की भी निकाला नहीं गया है। और पिछले जनवरी से लेकर अगस्त तक हम लोग बहुत मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। आप सिंगल बेंच गए थे, सिंगल बेंच से जो फैसला उसके खिलाफ आप खुद डबल बेंच में चले गए। हम भी लोग गए, सरकार भी गई डबल बेंच पे। जी, सिंगल बेंच में हम लोगों के खिलाफ जजमेंट आया था। वजह क्या रही, क्यों सहमति नहीं बन पा रही दोनों के बीच में? शिक्षकों की भर्ती सरकार ने ही निकाली, हालांकि तब से लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, तो समस्या हाँ आ रही है। समस्या आ रही जो 68,500 इसके पहले थी भर्ती, वो भी 150 नंबर था, मगर वो लिखित पेपर था, उसमें इन्होंने कर दिया था 60 ओबीसी एससी और जनरल के 67 था और अब की बार उतना ही, मगर अब की ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इसमें 90-97 कर दिया है। शिक्षा मित्रों की ही मांग है कि अगर पेपर उतने का है तो इतना क्यों करें, जबकि पिछली बार लिखित था, कठिन पेपर था, अब की ऑब्जेक्टिव है, आसान पेपर है। फरवरी में इन तमाम जो शिक्षकों की जो चयनित अभ्यर्थी होते उनकी ज्वाइनिंग होनी थी और शायद यही वजह कि इनकी नाराजगी लगातार बरकरार है। आज एक दिन का प्रोटेस्ट और इनकी मांग है जो सरकार की तरफ से अधिवक्ता है वो डबल बेंच में पेश हों और अपना पक्ष रखें। लखनऊ से जुड़े समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन।